नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए महानगर में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया और कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने में कामयाबी भी मिली है। उसी के तर्ज पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने महानगर को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा मानसून से पहले ही महानगर के 230 नालों की व्यापक सफाई अभियान को चलाया जा रहा है। नगर निगम के कार्यशैली में परिवर्तन करते हुए रात्रि में नाला सफाई अभियान चलाकर नालों की तल्ली झार सफाई कराया जा रहा है। इस दौरान नालों से निकलने वाले सिल्ट को तुरंत डिस्पोज करवाया जा रहा है। गुरुवार रात्रि में पार्क रोड और बागची अस्पताल रोड पर नाला सफाई अभियान का नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों को नाला सफाई के बाद निकलने वाले सिल्ट के निस्तारण के निर्देश दिए। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि महानगर की 230 बड़े छोटे नालों की सफाई 2 माह से चल रहा है, लेकिन मानसून के पहले आने से नालों में गंदगी भर गई है, जिसको देखते हुए समय के अभाव के कारण रात्रिकालीन सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही नालों से निकलने वाले सिल्ट को भी तुरंत उठवाकर उसको सुरक्षित स्थान पर डंप किया जा रहा है, जिससे दोबारा सिल्ट नालों में ना जाने पाए। नगर निगम प्रतिबद्ध है कि महानगर में किसी तरह से जल भराव नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान उपनगर स्वास्थ्य अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव, छिड़काव सुपरवाइजर विंध्याचल सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। मानसून काल में आप देख ही रहे हैं कि पिछले लगभग 2 महीने से लगातार नगर निगम क्षेत्र के 17 वार्डों में और जो 32 ग्राम पंचायतें नगर निगम में शामिल हुई हैं, वहां पर लगातार तली झाड़ जो हमारी नालों की सफाई है उसका कार्यक्रम चल रहा है। और इस वक्त हमारे पास जो नगर निगम के क्षेत्र में टोटल 230 नाले हैं, जिसमें से 11 बड़े नाले हैं, 96 मझोले नाले और 123 जो हैं छोटे नाले हैं। तो इसमें हम लोग एक चरण में सभी नालों को कार्रवाई काम पूरा कर चुके हैं सफाई का, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है, कुछ हमारे जो बड़े वाले नाले हैं और कुछ मझोले नाले, उनमें 1 महीने के अंदर पुनः काफ़ी सिल्ट इकट्ठा हो गई है। तो हम लोग द्वितीय चरण का जो है इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इधर मानसून आ गया है और हैवी रेन हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए चूंकि समय कम है, हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि शहर के हमारे जितने महत्वपूर्ण नाले हैं वहाँ पर हम सुबह मतलब दिन के टाइम भी सफाई करा रहे हैं, और समय की ध्यान में रखते हुए
हम लोगों ने रात्रि कालीन जो है नाला सफाई का काम शुरू किया है। इसमें ये नाला सफाई काम जो है ये हमारे चारों जोन के जो जोनल सैनिटरी ऑफिसर हैं, हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो सभी लोग इसमें एक साथ मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 4 पोकलेन मशीन, JCB मशीन लगी हुई है, बड़ी संख्या में हमारे सफाईकर्मी, नाला सफाईकर्मी लगे हुए हैं और इन सब की मदद से अब ये कार्यक्रम जो है पूरा रात 10 बजे तक चलेगा और उसके बाद आज ही यहाँ से तुरंत सील टूट जाएगी। तो इससे एक हम लोग समय रहते जो है पूरे नगर निगम के क्षेत्र में जितने भी नाले हैं उनकी तली झाड़ सफाई करने में सफल होंगे और उम्मीद मैं ये करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो आने वाली बारिश में बहुत ही कम जगहों पर, मतलब पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष बहुत ही कम जगहों पर जो वाटर लॉगिंग है वो होगी। नहीं तो और पिछले कुछ बारिश में देखने में भी आया है कि जहाँ पर हैवी रेन होने के बावजूद आधे घंटे में पूरा पानी शहर का निकल गया है। तो निश्चित रूप से हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि इस बार कहीं वाटर लॉगिंग ना होने पावे और शहरवासियों को जल प्लावन की समस्या से ना जूझना पड़े।